Morning students, welcome to my online class. Today we are going to study from class 12th, this class book, chapter 7, part 2. तो इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट कर लिए थे. अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. इवेंट्स प्राइस ओ लेवल का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिए हैं, तो उसका पहला भाग आप देख लीजिएगा यूट्यूब में. तो अब हम आज दूसरा भाग करने जा रहे हैं. तो यहाँ तक पहला भाग तक हमने कर लिया था, लेकिन आज थोड़ा सा फिर से रिकैपिटुलेट कर लेते हैं इस परिच्छेद को. ये जो परिच्छेद है 8:45 यहाँ से लेकर के चर्च टाइम्स तक हो गया था, लेकिन थोड़ा सा हम लोग फिर से आज दोहरा लेते हैं. एट 8:45 The same morning, the Reverend Stuart McLeary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. So, ये जो अभी McLeary जो है वो परीक्षा लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो इन्विजिलेटर है. इन्विजिलेटर मतलब पर्यवेक्षक है, जिस तरह से बोर्ड परीक्षा में जो टीचर्स की ड्यूटी लगती है वीक्षक के रूप में, तो ये वही काम करने आ रहा है McLeary. तो 8:45 मतलब 9:15 में सेम मॉर्निंग उसी दिन सुबह द रेवरेंड स्टुअर्ट McLeary वहां पर वो निकलता है, आ जाता है. तो ये वहां पर परीक्षा लेने के लिए वो आ जाता है. तो इसके पश्चात हम देखते हैं क्या होता है जब वो वहां पहुंचता है. तो 9:15 AM द 2 आवर एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड. तो 2 घंटा का परीक्षा होना है, और ये परीक्षा मतलब शेड्यूल हो चुका है, 2 घंटे का परीक्षा होना है. टू स्टार्ट एट 9:15 AM और ये कब शुरू होना है, 9:15 में शुरू होना है. Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall. So Evans was lathering. Lathering का अर्थ होता है यहाँ जिस तरह से जो आपने देखा होगा, जो आपके पिताजी लोग हैं या जो बड़े लोग हैं उन लोग अपना हजामत बनाते हैं और शेविंग करने से पहले शेविंग क्रीम लगाते हैं अपने चेहरे पर, ताकि उसको दाढ़ी को छिला जा सके. तो वही इवांस कर रहा है. लेदरिंग मतलब वो झाग वाला क्रीम लगा रहा है इस फेस अपने चेहरे पर विगरसली बहुत जल्दी जल्दी. व्हेन स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 small स्क्वायर टेबल्स और उसी समय स्टीफन जो कि जेल अधिकारी है वह वहां पर 2 आयताकार टेबल लेकर के घुसता है. छोटा छोटा आयताकार टेबल लेकर के या वर्गाकार टेबल लेकर के वो वहां घुसता है. एंड सेट देम ऑपोजिट ईच अदर और उसको एक दूसरे के विपरीत दिशा में वो रख देता है. इन द नैरो स्पेस उस छोटे से जगह में, छोटे संकीर्ण जगह है वहां पर, जगह था एक कोठरी में जहां पर इवांस को रखा हुआ है. बिटवीन द बंक, बंक का अर्थ मैंने बताया था छोटा सा जो बिस्तर है जेल इत्यादि में जो कैदियों के लिए सोने के लिए रखा जाता है, उसको कहा जाता है बंक. ऑन द वन साइड तो एक तरफ जहां पर बंक था उधर वो मेज को टेबल को लगा देता है, और दूसरे तरफ जो कि दीवार है और जो पत्थर का दीवार है और जिसको अभी रंग रोगन किया गया है, पोता गया है, डिस्टेम्पर्ड मतलब उसको पोता गया है, उधर वो टेबल को लगा देता है. तो 2 टेबल लगाया, एक बिस्तर की तरफ रख दिया और दूसरा एक दीवार की तरफ जिसको कि अभी अभी पोताई किया गया है. नेक्स्ट स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स और उसके पश्चात जो स्टीफन लाता है अगला वो 2 चेयर लेके आता है, 2 हार्ड कुर्सियां लकड़ी की कुर्सियां लेकर के आता है. हार्ड वो लगे मतलब सख्त कुर्सियां लेकर के आता है. The slightly less battered of which he placed in front of the table. और ये दोनों कुर्सियों में से 2 कुर्सी लाता है और जो कि थोड़ा less battered मतलब battered का अर्थ होता है घिसा हुआ, क्योंकि हम बहुत सारा चीज को जब यूज करते जाते हैं और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो थोड़ा घिस जाता है, थोड़ा पुराना हो जाता है. तो इसका वास्तविक बैटर्ड का वास्तविक अर्थ तो होता है टूटा फूटा, तो इसमें कहने का अर्थ है लेस बैटर्ड मतलब जो थोड़ा अच्छा था, कम घिसा पीटा था, उस कुर्सी को कहाँ रख देता है, ऑफिस ही प्लेस्ड मतलब रख देता है इन फ्रंट ऑफ द टेबल, उस टेबल के सामने जो कि स्टूड नियरर द सेल डोर, जो कि टेबल कहाँ पर लगा हुआ था, उस कोठरी के दरवाजा के पास जो टेबल लगा हुआ था वहां पर एक अच्छा वाला कुर्सी को रख देता है और दूसरा को दूसरे टेबल के पास रख देता है. जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, बिहेव योरसेल्फ लैडी. तो जैक्सन जो है आखिरी बार थोड़ा समय के लिए, ब्रीफ मतलब थोड़े समय के लिए, आखिरी बार वो दिखाई देता है. फाइनल अपीयरेंस मतलब आखिरी बार दिखाई देता है और वो
इवांस को बोल रहा है बिहेव योर सेल्फ लैडी, तो बोल रहा है कि तुम अच्छे से व्यवहार करना, कुछ उल्टा पुल्टा मत कर देना। तो ऑर्डर दे रहा है किसको, इवांस को, किसी तरह की चतुराई मत दिखाना, उल्टा पुल्टा मत करना, अच्छे से तुम अपना व्यवहार दिखाना। इवांस टर्न्ड एंड नोडेड, इवांस जो है मुड़ा एंड नोडेड और अपना सिर हिलाया। एंड दीज जैक्सन पॉइंटेड टू द पिनअप्स, और ये चीजें, एंड दीज मतलब ये चीजें, जैक्सन पॉइंटेड, जैक्सन जो है दिखा रहा है पिनअप्स, पिनअप्स का अर्थ होता है बहुत सारे जो लड़कों का कमरा होता है उसमें लोग हीरो हीरोइन और अधिकतर तो हीरोइन जो मतलब का फोटो रखते हैं जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं उनका फोटो रखा जाता है इस तरह के कमरे में। तो यहाँ इवांस के कमरे में भी ऐसा फोटो रख दीवार में मतलब पिन से चिपकाया गया था, पिन से उसको लगाया गया था। तो उनको बोल रहा है निकालो ऑफ, मतलब ये जो फोटो है, ये तस्वीर है, जो उत्तेजक तस्वीर है, अश्लील तस्वीर है, इन सबको उतार दो ऑफ, मतलब निकाल दो। इवांस टर्न्ड एंड नोडेड अगेन, इवांस फिर से मुड़ा और दोबारा से अपना सिर हिलाया। फिर इवांस यहाँ कुछ कह रहा है, I was going to take them down anyway. तो यहाँ बोल रहा है कि going मतलब यहाँ going से है, तो मैं इनको निकालने जा ही रहा था, बोल रहा है I was going to take them, यहाँ M का अर्थ है them, down anyway. तो जैसे भी हो मैं इसको निकालने ही वाला था, बोल रहा है इन तस्वीरों को निकालने ही वाला था। A minister isn't he? तो बोल रहा है जो आ रहा है वो एक पादरी है, एक फादर है, एक नहीं बोल रहा है, मतलब जो वहां इनविजिलेटर के लिए आ रहा है। मिनिस्टर का अर्थ है जो कि ईसाई धर्म में जो पूजा पाठ करते हैं, मिसा बलिदान करते हैं, उनको कहा जाता है मिनिस्टर, और हम एक शब्द में उनको फादर या तो पादरी बोलते हैं, तो उसी के लिए मिनिस्टर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो वो रहा है जो यहाँ आ रहा है मेरा इनविजिलेट करने के लिए, वो शायद एक क्या है, पादरी है, फादर है, बोल रहा है। द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन, तो बोल रहा है यहाँ पर जो कि आकर के बैठेगा, मेरा अर्थ है कि यहाँ पर जो लड़का आकर के बैठेगा या जो आदमी यहाँ आकर के बैठेगा वो क्या है, फादर है। कौन बोल रहा है, इवांस। एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क्स जैक्सन क्वाइटली, तो जैक्सन बोलता है चुपचाप से कि तुम कैसे जानते हो सब। वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स डिडंट आई, तो इवांस बोल रहा है हाँ अच्छी बात है, हमको उस फॉर्म में क्या करना था, सिग्नेचर करना था, मेरा हस्ताक्षर करना था, क्या हमको नहीं करना था, didn't I? And I couldn't help, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया जब मैं सिग्नेचर कर रहा था तो उसमें उसका नाम देख लिया था, बोल रहे हैं। Evans drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swath in the white leather. तो Evans जो है अभी क्या कर रहा है, वो अपना दाढ़ी बना रहा है। Evans drew the razor, मतलब जो razor है रहा है उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक क्या किया, नीचे खींचा, डाउन हिज लेफ्ट सीक, अपने बाएं गाल की तरफ दाढ़ी बना रहा है और वो अपना जो ब्लेड है उस तरह है उसको धीरे सावधानी पूर्वक नीचे की ओर खींचा, क्योंकि सब पूरे गाल में, दोनों तरफ के गाल में वो सफेद झाग लगा लिया है, शेविंग क्रीम लगा लिया है। और जब वो ऐसा किया तो लेफ्ट अ नीट स्वैथ इन व्हाइट लेदर, जब वो ऐसा खींचता है उस तरह को नीचे, तो वहां पर सब तरफ तो सफेद है लेकिन जहां पर वो उस तरह को खींचा वहां एक साफ सुथरा लकीर बन गया, स्वैथ, स्वैथ करते लकीर बन गया इन व्हाइट लेदर, व्हाइट लेदर मतलब जो सब तरफ झाग था उसमें एक साफ सुथरा लकीर सा बन गया। कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, तो बोल रहा है क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर जैक्सन, इवांस ने पूछा। व्हाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, तो पूछ रहा है व्हाई डिड दे, हैव करते यहां हैव से है, Why did they have to bug me in this cell? तो पूछ रहा है कि इस छोटे से कोठरी में उन लोग मेरा जासूसी क्यों कर रहे हैं? Bug का अर्थ होता है जासूसी करना, मतलब चोरी छिपे, मतलब आदमी क्या कर रहा है उसको कुछ ऐसा उपकरण या तो यंत्र फिट कर देना ताकि उनके बीच में क्या बात हो रहा है उसको कोई दूसरी लोग क्या कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं, उनके बातों को सुन सकते हैं। तो उसको पता चल गया है कि वहां पर कुछ यंत्र फिट किया गया है, कुछ उपकरण लगाया गया है, और इसीलिए वो पूछ रहा है कि मेरे छोटे से कमरे की जासूसी क्यों किया जा रहा है। He nodded his head vaguely to point above the door. तो वह अपने सिर से उसको इशारा करता है, nodded his head मतलब अपना सिर हिला करके vaguely स्पष्ट रूप से इंगित करता है, दिखाता है above the door मतलब दरवाजे के ऊपर माइक्रोफोन लगा हुआ है, उनके वहां पर क्या चल रहा है उनकी बात को सुनने के लिए। तो उसको पता चल गया है और उधर दिखाते हुए वो पता करता है जैक्सन से। नॉट अ वेरी नीट जॉब कंसीडर्ड जैक्सन, तो जैक्सन स्वीकार करता है कि ये साफ सुथरा काम तो नहीं हुआ, क्योंकि बंदे को पता चल चुका है कि वहां पर क्या लगा हुआ है, माइक्रोफोन। द
दे आर नॉट दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू दे आर नॉट वे नहीं दे डोंट ऑनेस्टली थिंक वे ईमानदारी से नहीं सोचते हैं आई एम गोइंग टू ट्राई टू कि मैं अभी भी प्रयास करने वाला हूँ अभी भी भागने का प्रयास करने वाला हूँ हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं ईमानदारी से नहीं सोचते हैं कि मैं अभी भी क्या करने वाला हूँ प्रयास करने वाला हूँ भागने के लिए ऐसा इवांस बोलता है दे आर टेकिंग नो चांसेस इवांस नोबडी इन दिस सेंसेस इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विथ यू तो यहाँ पर जैक्सन बोलते हैं दे आर टेकिंग नो चांसेस तो उन लोग जो है किसी भी तरह का खतरा मोलना नहीं चाहते हैं चांसेस चांसेस का अर्थ है खतरा मोल लेना किसी भी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहते हैं Nobody in his senses, कोई भी नहीं अपने होश हवास में तो कभी नहीं in his senses मतलब अपने होश हवास में तो कोई खतरा मोलना नहीं चाहते हैं take any chances with you तुम्हारे साथ क्योंकि तीन बार तक ये भाग चुका है और इसीलिए कोई भी खतरा मोलना नहीं चाहते हैं Who is going to listen in? तो आगे इवांस पूछता है कि ये जो बात इसको कौन सुनने जा रहा है क्योंकि वहां पर माइक्रोफोन लगा हुआ है तो हमारी जो बीच में बात हो रही है उसको कौन सुनने वाला है बोलता है I will tell you who is going to listen in, lady. So Jackson बोलते हैं कि मैं बताऊंगा कि जो चीजें हैं इसको कौन सुनने वाला है लड़के lady, lady का अर्थ है लड़के It's the governor himself, see? तो बोल रहा है कि ये तो स्वयं गवर्नर सुनने वाले हैं तो गवर्नर आपको पता होगा जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन के क्या है वो गवर्नर है तो वो खुद सुनने वाला है उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन वार्तालाप होने वाला है उसको He don't trust you a bloody inch, and nor do I. तो बोल रहा है कि वह तुमको रत्ती भर भी bloody inch मतलब रत्ती भर भी तुम पर विश्वास नहीं करता है. Nor do I. और मैं भी विश्वास नहीं करता हूँ. I will be watching you like a hawk. और मैं तुमको निगरानी करता रहूँगा. Watching मतलब निगरानी करता रहूँगा. Like a hawk एक शिकारी बाज की तरह. Hawk hawk का अर्थ होता है बाज जो कि शिकार करता है. तो मैं तुमको शिकारी बाज की तरह तुम्हारा निगरानी करता रहूंगा जैक्सन बोलता है इवांस इवांस सो कीप योर नोज क्लीन क्लियर तो बोल रहा है तो इवांस किसी भी तरह की चालाकी मत करना कीप योर नोज क्लीन मतलब उल्टा पुल्टा काम मत करना या किसी भी तरह की चालाकी का काम मत करना क्लियर समझे तो कौन आदेश दे रहा है जैक्सन ही वॉक्ड टुवर्ड्स द डोर और ऐसा बोल करके वह दरवाजे की तरफ चला गया वॉक्ड मतलब चला गया Evans nodded. Evans सिर हिलाता है. He had already thought of that. क्योंकि वह पहले ही ऐसा सोच लिया था, इस सब के बारे में सोच लिया था Evans. And number two handkerchief was lying ready on the bunk. और उसका जो number two handkerchief, उसका जो दूसरा रूमाल था वो उसके बिस्तर पर bunk मतलब उसके बेड पर पड़ा हुआ था, lying मतलब पड़ा हुआ था. neatly folded square मतलब वो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से उसको एक आयताकार या वर्गाकार शेप में उसको फोल्ड किया हुआ था of white linen जो कि एक सफेद लिनन का सूती का बना हुआ था तो उसको वो खींच लेता है और अपना नाक साफ कर लेता है just one more thing Einstein या what's that तो यहाँ पर जैक्सन फिर से बोल रहा है कि Einstein और एक बात बोलता है Einstein का प्रयोग यहाँ पर इवांस के लिए किया जा रहा है तो बोल रहा है और एक बात Einstein या व्हाट्स आर्ट तो यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट्स आर्ट मतलब व्हाट्स दैट तो यहाँ पर इवांस बोल रहा है हाँ वो क्या चीज गुड लक ओल्सन तो यहाँ पर जैक्सन बोल रहा है कि तुमको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं तो कहीं ना कहीं देखते हैं हम जैक्सन के दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है दया की भावना तो है इसलिए उसको शुभकामनाएं दे रहा है परीक्षा के लिए इन द लिटल लॉज जस्ट इन साइड द प्रिजन्स मेन गेट्स The Reverend S. McLary signed his name neatly in the visitor's book. In the little lodge. तो ये हो गया एक छोटा सा कमरा होता है जब कभी हम कहीं घुसते हैं बड़ा सा बड़े कमरे में घुसते हैं या तो कोई संस्था में जाते हैं तो गेट जैसे हम गेट के पास एंटर करते हैं वहाँ एक छोटा सा कमरा होता है और वहाँ एक आगंतुक पुस्तक रखा होता है एक विजिटर्स बुक रखा होता है जहाँ पर नाम इत्यादि हमारा एड्रेस हो गया हमारा नाम हो गया तो सभी हमको एंट्री करना होता है तो ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पर मैकलेरी जो कि एक पादरी है एक फादर है और जिसको इनविजिलेट करना है वो यहाँ पर आ रहे हैं इन द लिटल लॉज मतलब वहां पर गेट के पास एक छोटा सा कमरा है इनसाइड द प्रिजन्स मेन गेट मतलब जेल का जो मुख्य गेट है उसके अंदर में द रेवरेंड एस मैकलेरी साइंड हिज नेम
तो जो रेवरेंड, रेवरेंड का अर्थ है श्रद्धे, मैकलेरी जो है वो हस्ताक्षर किया, हिज नेम, अपना नाम लिखा साफ सुथरा से इन द विजिटर्स बुक, विजिटर्स बुक में अपना नाम वहां पर दर्शा देते हैं। एंड देन वॉक साइड बाय साइड विद अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड टू डी विंग, और उसके पश्चात एक जेल अधिकारी के साथ, देन मतलब तब वॉक साइड बाय साइड, उसके बगल में एक जेल अधिकारी उसके अगुवाई करते हुए चुपचाप से उसको कहाँ ले जा रहा है, प्रिजन ऑफिसर, अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड, तो वहां पर एक व्यायाम करने के लिए एक आंगन है, वहां से होते हुए उन लोग कहां से ले जा रहे हैं, टू डी विंग, क्योंकि डी विंग में ही इवांस को रखा गया है, तो उसमें से गुजरते हुए व्यायाम आंगन से गुजरते हुए या व्यायाम कक्ष से गुजरते हुए उन लोग डी विंग में पहुंच गए, वेर ही वॉज ग्रीटेड बाय जैक्सन, और वहां पर उसकी मुलाकात ये जो सीनियर अधिकारी है, जेलर, सीनियर जेलर है, जेल के जो सीनियर अधिकारी है जैक्सन, उससे मैकलेरी की मुलाकात होती है। द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड, और जो टी विंग का जो बाहर का जो भारी गेट है उसको अनलॉक्ड, उसको खोला जाता है। एंड लुक बिहाइंड देम, और जैसे ही उन लोग उसमें प्रवेश करते हैं उनको भी बाहर से फिर से उसको क्या कर दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है। द हेवी इनर डोर द सेम, और अंदर में फिर से एक गेट मिलता है अंदर में, और उसको भी खोला जाता है, और जब इसमें प्रवेश करते हैं जैक्सन और ये मैकलेरी, फिर से उसको बंद कर दिया जाता है। एंड मैकलेरी वॉज हैंडेड इनटू स्टीफन्स कीपिंग, और उसके पश्चात मैकलेरी को सुपुर्द कर दिया जाता है, किसकी देखरेख में, स्टीफन्स के देखरेख में, क्योंकि स्टीफन भी क्या है, एक जेलर है, मतलब अधिकारी है, जेल का अधिकारी है, दूसरा अधिकारी है, तो उसकी देखरेख में उसको सुपुर्द कर दिया जाता है। गेट द रेजर, मर्मर जैक्सन, उसको पहले ही बोल चुका था रेजर क्यों दिया गया था, क्योंकि वो अपना दाढ़ी बना रहा था, और इसीलिए जैक्सन उसको परमिशन दिया था इवेंस को, अभी स्टेफन को बोल रहा है कि क्या तुमने वो रेजर ले लिया, मर्मर मतलब बड़बड़ाते हुए पूछता है क्या रेजर ले लिया तुम, स्टीफन नॉडेड, और सिर हिला करके स्टीफन जवाब दे देता है कि हाँ मैं ले लिया। वेल कीप योर आईज स्किन क्लियर, तो बोलता है ठीक है तुम अपनी नजर चौकन्ना रखना, स्किन योर आईज स्किन मतलब तुम अपना नजर चौकन्ना रखना, इधर उधर मत गड़बड़ी मत करना, समझे, बोल रहा है किसको बोल रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है स्टीफन को, जैक्सन बोल रहा है स्टीफन को। स्टीफन नोडेड अगेन, स्टीफन फिर से अपना सिर हिलाया। एंड मैकलेरी हिज फीट क्लाइंगिंग अप द आयरन आयरन स्टेयर्स फॉलोड हिज न्यू गाइड, और सिर हिला करके वो अभी मैकलेरी का जो जूता पहना हुआ है, और उन लोग एक लोहे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं, हिज फीट क्लाइंगिंग, और उसका जो जूता से टन टन की आवाज आ रही है, उसको कहा जाता है क्लाइंगिंग, तो जब हम लोग लोहे की सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, अप द आयरन स्टेयर्स, स्टेयर्स का अर्थ होता है सीढ़ी, तो लोहे की सीढ़ी में जब मैकलेरी चढ़ रहा है, उसके जूतों से टन टन की आवाज आ रहा है, जो कि अपना एक जो नया पथ प्रदर्शक है ना, स्टेफन के पीछे पीछे जा रहा है, गाइड, गाइड का मतलब उसका जो पथ प्रदर्शक है, राह दिखाने वाला, उसके पीछे पीछे वो जा रहा है। एंड फाइनली स्टूड बिफोर अ सेल डोर, और अंत में उन लोग उस कोठरी के दरवाजा के पास आ जाते हैं, सेल, सेल का अर्थ होता है जहाँ कैदियों को रखा जाता है, उसको कहा जाता है सेल, कोठरी, तो उस कोठरी के दरवाजा के पास आ जाते हैं। वेयर स्टेफन्स ओपन द पीप हॉल, जहां पर स्टेफन जो है वो खोलता है द पीप हॉल, पीप हॉल का अर्थ होता है स्टेफन, पीप हॉल, पीप हॉल, पीप हॉल मतलब दरवाजा में जो एक छोटा सा छिद्र होता है, और कई बार सुरक्षा कारणों से अंदर से बाहर की चीजों को देखने के लिए, या तो बाहर से अंदर की चीजों के लिए कि अंदर क्या हो रहा है, इनसे भी चीजों को उसमें से देखा जा सकता है दरवाजा के छोटे से छिद्र से, तो वहां पर एक पीप होल है। एंड लुक थ्रू, और उससे वो अंदर देखता है, दैट सिंसर, और मैकलेरी को बताता है कि श्रीमान ये वही व्यक्ति है जिसको परीक्षा देना है। इवांस फेसिंग द डोर सैट क्वाइटली एट द फर्दर ऑफ द टू टेबल्स, तो इवांस जो है वो अंदर बैठा हुआ था, फेसिंग द डोर मतलब दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था, क्वाइटली चुपचाप से, एट द फर्दर ऑफ द टू टेबल्स, क्योंकि वहां पता है आपको दो टेबल वहां पर लगाया गया था, तो जो दूर वाला टेबल था वहां पर वो बैठा हुआ था कुर्सी में। इस हॉल अटेंशन रिवर्टेड टू द टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, और उसका पूरा ध्यान, हॉल अटेंशन मतलब उसका पूरा ध्यान, रिवर्टेड मतलब उसका पूरा ध्यान केंद्रित था, क्या पर, उस पाठ्य पुस्तक पर, टेक्स्ट बुक का, उस पाठ्य पुस्तक पर जो कि प्रारंभिक जर्मन का व्याकरण पुस्तक था, उसको
वो पढ़ाई कर रहा था क्योंकि उसी पर उसको परीक्षा देना है। स्टेफन्स लुक टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग, और स्टीफन जो है वो अपने चाबी के सल्ले से एक चाबी को निकालता है। टुक द की फ्रॉम हिज रिंग मतलब उसका और भी चाबी थे, उसमें से एक चाबी को सल्ले से वो बाहर निकालता है। एंड द सेल लॉक स्प्रैंग बैक, और वो जो कोठरी का जो ताला था वो खच के आवाज से, धड़ के आवाज से वो स्प्रैंग बैक मतलब वो खुल जाता है, खच के आवाज से ऊपर खुल जाता है। थर्डेड मतलब दम की आवाज से वो खुल जाता है। मेटालिक वैंग, और थोड़ा सा धातु का क्या होता है आवाज आता है, मेटालिक वैंग, मेटालिक अर्थ है धातु, ट्वैंग ट्वैंग अर्थ है धातु का मतलब जिस तरह से उसमें खच की आवाज से खुलता है तो थोड़ा सा आवाज आता है। तो पोट्री खोल दिया है कौन, स्टेफन्स। इट वॉज 9:10 AM when the governor switched on the receiver. तो ये 9:10 हो चुका था जब गवर्नर ने जो माइक्रोफोन रखा हुआ था उस सेल में उसको क्या किया, वो ऑन किया, रिसीवर को ऑन कर दिया। तो परीक्षा कब से होना है, 9:15 में, और 9:10 तो हो चुका है मतलब 5 मिनट बचा है। क्या इन लोग समय पर परीक्षा शुरू कर पाएंगे, हम लोग देखते हैं। He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precautions that was only fair. तो ये गवर्नर जो है वो कुछ निर्देश दिया था किसको, जैक्सन को, to tell Evans कि वो Evans को बताए अस्थायी रूप से, टेम्पोररी मतलब अस्थायी रूप से, लिटिल प्रीकॉशन जो छोटे छोटे सावधानियां उसको लेना है उसको बता दे। दैट वॉज ओनली फेयर, और वो सही भी था। एज इफ इवांस वुडंट स्पॉट इट, जैसे कि इवांस जैसे इसको देखा ही ना हो, क्योंकि वहां पर माइक्रोफोन रखा हुआ है उसको देखा ही ना हो ऐसा उनको लग रहा था। बट वाजंट इट ऑल अ बिट थिएटरिकल, लेकिन क्या ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि सभी क्या है नाटकीय, एक नाटक की तरह हो रहा है, थिएटर से थिएटरिकल है ना, थिएटरिकल मतलब थिएटर जहां पर नाटक इत्यादि दिखाया जाता है उसको थिएटर कहा जाता है, उसी से शब्द बना है थिएटरिकल। थिएटरिकल मतलब जो हम सब कर रहे हैं एक नाटक के समान नहीं लग रहा है, ऐसा गवर्नर सोचता है। स्कूल बॉयज ऑलमोस्ट, ये स्कूल के बच्चे की तरह उसी तरह कुछ लग रहा है जैसे स्कूल में बच्चों को करवाया जाता है वैसे कुछ लग रहा है। हाउ ऑन अर्थ वॉज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टूडे, कि आज इवांस क्या करने वाला है, कि इवांस आज फिर भी प्रयास करेगा अपना बच के निकलने का, मतलब आज क्या करने वाला, हाउ ऑन अर्थ मतलब हाउ, इस पृथ्वी पर इवांस जो है आज क्या करने वाला है, आज वो क्या वो आज भी प्रयास करेगा भागने के लिए। इफ ही वॉज सो एंग्जियस टू मेक अनदर ब्रेक, अगर वो इतना ही मतलब उत्सुक था, एंग्जियस इतना ही चिंतित था या इतना ही उत्सुक था टू मेक अनदर ब्रेक, अनदर ब्रेक मतलब भागने के लिए, व्हाई इन हेवन्स नेम हैडन्ट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रेशनल ब्लॉक, क्यों वह प्रयास नहीं किया, why in heaven's name मतलब भगवान के लिए क्यों नहीं वो प्रयास किया, कहां से hadn't he tried मतलब प्रयास नहीं किया, from the recreational block, recreational block या तो जहां पर मनोरंजन ब्लॉक है वहां पर लोग मनोरंजन करते हैं, वहीं से क्यों नहीं भाग पाया, मच इजियर, क्योंकि अगर वहां से वो भागने का सोचता तो बहुत सहज था, वो आसानी से वहां से भाग सकता था अगर उसको भागना ही था तो। बट ही hadn't, लेकिन वो भागने का प्रयास नहीं किया। And there he was now. और अभी तो वहां पर वो अभी यहाँ पर था, यहाँ पर मतलब पोट्री में था, sitting in a locked cell, जो कि सब तरफ से क्या लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था। All the prison officers on the alert, और जितने भी जो जेल के अधिकारी हैं सभी क्या है, चौकन्ने हैं, अलर्ट मतलब सभी कोई चौकन्ने हैं। Two more locked doors, तो दो दरवाजों को ताला लगा दिया गया। Two more locked doors मतलब दो बड़े बड़े जो दरवाजे हैं, भारी दरवाजे हैं, उनको ताला लगा दिया गया है। बिटवीन हिज सेल, उसके सेल के बीच में, उसका सेल पॉटरी है वो बीचों बीच में है, और उसके बाहर जो बड़े बड़े दरवाजे हैं उसको क्या कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है। एंड द यार्ड, और यार्ड जो है आंगन होता है, जो सेल के बाहर में जो आंगन होता है, और वो सभी आंगन। एंड अ यार्ड विथ अ वॉल एज हाई एज अ हेस्टेक, और वो यार्ड भी जो आंगन है, और आंगन के उधर जो दीवार है वो भी क्या है, बहुत ऊंचा ऊंचा है, उतना ही ऊंचा है जितना की हे स्टेक मतलब भूसा रखते हैं लोग, और वो उतना ऊंचा हो जाता है, भूसा रखते रखते बहुत ऊंचा हो जाता है, उसी तरह से दीवार भी वहां क्या हो गया है, दीवार भी बहुत ऊंचा ऊंचा हो गया है, और जहां से तो भागना मुमकिन ही नहीं, असंभव है, मुमकिन ही नहीं असंभव है, किसके लिए, इवांस के लिए। यस इवांस वॉज एज सेफ एज हाउसेस, इवान उतना ही यहाँ सुरक्षित था जैसे कि किसी घर में। एनी वे इट वुडंट बी एनी ट्रेवल एट ऑल to have the receiver turned on for the next couple of hours or so.
जैसे भी हो, एनी वे जैसे भी हो, इट वुडंट बी एनी ट्रबल, इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी. ट्रबल, ट्रबल का अर्थ है परेशानी. वुडंट, विल, विल का पास्ट टेंस है वुडंट, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी एट ऑल. टू हैव द रिसीवर टर्न ऑन, कि रिसीवर को ऑन किया जाए अगले 2 घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे के लिए भी अगर रिसीवर को ऑन कर दिया जाए तो उससे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी. इट वॉजेंट एज इफ देर वॉज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू, क्योंकि यहाँ पर कोई सुनाई देने वाला तो नहीं था, क्योंकि अभी वहां कोई बात करने वाला भी नहीं था कि किसी के बात को वहां सुना जा सके. इफ देर वॉज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन, क्योंकि वहां कोई भी कुछ बात करने वाला भी नहीं है और उस चीज को सुना भी नहीं जा सकता था. वॉज इट, है कि नहीं? अमंगेस्ट अदर थिंग्स एन इनविजिलेटर्स ड्यूटी वॉज टू इंश्योर दैट स्ट्रिकेस्ट साइलेंस वॉज ऑब्जर्व. और भी दूसरे कामों के अलावा, अमंगेस्ट अदर थिंग्स मतलब दूसरे चीजों के अलावा, एन इनविजिलेटर्स मतलब जो पर्यवेक्षक है, जो जिसका ड्यूटी लगा हुआ है वहां परीक्षा के सुचारू संचालन करने, सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, तो उसका तो काम ही है कि वो इतना निश्चित कर ले कि वहां पर क्या हो, साइलेंस मेंटेन हो, वहां किसी भी तरह का हल्ला गुल्ला शोरगुल ना हो, लेकिन शांति से परीक्षा मतलब दिलाया जा सके, तो ये उसका काम होता है. बट स्टिल दैट लिटिल नैगिंग डाउट, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर थोड़ा सा क्या था, नैगिंग परेशान करने वाला संदेह था, कुछ चिंता करने वाला संदेह था. नैगिंग, नैगिंग का अर्थ है परेशान करने वाला या चिंता का बात था, तो थोड़ा सा शंका था. क्या शंका था? माइट इवेंस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैकलेरी, हो सकता है कि इवेंस जो है वो मैकलेरी का फायदा ना उठा ले. फायदा ना उठा ले मतलब किस तरह से, गेट हिम टू स्मगल इन अ सिसल और टू और अ रॉप लैडर, हो सकता है वो उसको जो मैकलेरी जो पर्यवेक्षक है उसको क्या ना बोल दे वो, गेट हिम स्मगल मतलब स्मगल का अर्थ होता है चोरी छिपे से किसी चीज को ले आना, चोरी छिपे से किसी चीज को ले आना इसको, या तो स्मगल का जो वास्तविक अर्थ होता है वो तस्करी होता है, चोरी करना, चोरी छिपे चोरी करना, तो वो चोरी ना करवा ले, या तो उसको सीरियस चोरी छिपे लाने के लिए ना कहे. क्या सिसल, सिसल होता है एक मतलब क्या होता है, औजार होता है जो बढ़ाई औजार होता है जिसको हम छेनी कहते हैं, तो एक या दो छेनी ना मंगा ले चुपचाप से, किससे, मैकलेरी से. और रोप लैडर या तो रस्सी का, रोप का अर्थ है रस्सी का सीढ़ी ना मंगा ले, सर्कस इत्यादि में हम देखते हैं रस्सी का सीढ़ी, तो ऐसा ना मंगा ले और वो मदद करे किसको, इवेंस को भागने में. और द गवर्नर सैट अप शार्पली, और इन सब बातों को सोचते हुए गवर्नर जो है वो शार्पली, शार्पली मतलब बहुत चौकन्ना होकर के वो बैठ जाता है. इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग, इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट इवेंस कुड हैव यूज्ड. तो इट वॉज ऑल वेरी वेल, ये तो बहुत अभी तक अच्छा ही हो रहा था. इट वॉज ऑल वेरी वेल मतलब अभी अच्छा ही हो रहा था. गेटिंग रिड ऑफ ऑल पोटेंशियल वेपन, क्योंकि जितना भी जो मतलब औजार था, हथियार था उस, और जिसका प्रयोग कौन कर सकता था, इवान कर सकता था, उन सभी से छुटकारा मिल गया था. और कहने का अर्थ है कि इवान्स के पास जितना भी मतलब इस तरह के औजार थे, हथियार थे, उन सबको उससे ले लिया गया था जिसका प्रयोग वह कर सकता था. बट वट अबाउट मैकलेरी, लेकिन मैकलेरी का क्या, वट इफ, अगर क्वाइट अनविटिंगली अगर ऐसा हो गया हो, अगर मैकलेरी जो है अननोविंगली, अनविटिंगली मतलब जानबूझ करके नहीं, लेकिन अनजाने में ही, अनविटिंगली अनजाने में ही, इनोसेंट मैकलेरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ, जो कि अनजाने में ही ये निर्दोष या नादान मैकलेरी अपने साथ कुछ ऐसा चीज ले आया हो, अ जैक नाइफ मतलब एक तरह का चाकू जो कि हम उसको मोड़ सकते हैं, है ना, जो मुड़ सकता है उसका, और उसको आप छोटे पॉकेट इत्यादि में रख सकते हैं, तो उस तरह का चाकू ही ले आया हूँ. एंड वॉट इफ, और अगर क्या, इफ इवेंस हेल्ड हिम हॉस्टेज, और इवेंस उसको क्या बना ले, बंदी बना ले. हॉस्टेज, हॉस्टेज का अर्थ है अगर इवेंस उसको क्या बना ले, बंदी बना ले. विद सच अ वेपन, इस तरह का औजार का प्रयोग करके या इस तरह का हथियार का प्रयोग करके उसका बंदी बना ले, तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे, ऐसा गवर्नर सोच रहा है, और उसको इन सभी बातों का उसको क्या है, चिंता है. द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, तो गवर्नर इन सभी चीजों को सोचते हुए फोन के पास पहुंच गया. इट वॉज 9:12 AM, तो अभी 9:12 हो चुका था, अभी 3 मिनट बचा हुआ है, क्योंकि 9:15 में परीक्षा शुरू होने वाला है.
द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टेफन्स. तो एग्जामिनी, एग्जामिनी जो कि परीक्षा देने वाला है, एग्जामिनी मतलब यहाँ पर इवांस, एंड द इन्विजिलेटर या तो वीक्षक या पर्यवेक्षक का इंट्रोडक्शन उनका परिचय करवा चुका है कौन, स्टेफन्स. व्हेन जैक्सन केम बैक एंड शाउटेड टू मैक्लेरी, और उसी समय जैक्सन आता है और वो चिल्लाता है किसको, मैक्लेरी को, थ्रू द सेल डोर. सेल डोर मतलब दरवाजा के पास से वो चिल्लाता है, कैन यू कम आउटसाइड, कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर, यू टू स्टेफन्स. तो बोलता है क्या आप कुछ मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं सर, और तुम भी स्टेफन्स. तो दोनों को वो बाहर बुला लेता है. जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज, और जैक्सन जो है बहुत जल्दी से उसको उनको बतलाता है गवर्नर की क्या चिंता है. गवर्नर्स वरीज मतलब गवर्नर की जो चिंता है उनको, उन सबसे से बहुत जल्दी से उनको अवगत करा देता है. एंड मैक्लेरी patiently held out his arms, और मैक्लेरी जो है वो धैर्य पूर्वक, patiently मतलब धैर्य पूर्वक, held out his arms अपना जो बांह था उसको कंधे के बराबर ऊपर उठा लेता है. at shoulder, shoulder का अर्थ है कंधे के बराबर, कंधा होता है shoulder का अर्थ. तो अपने बाहों को कंधे के बराबर ऊपर उठा लेता है, क्योंकि हम कहीं भी अगर प्लेटफॉर्म में या रेलवे स्टेशन में भी जाते हैं तो कई बार हमारा चेक किया जाता है, तो हम अपना जो दोनों बांह है उसको ऊपर उठा देते हैं, तो यहाँ पर चेकिंग हो रहा है. लेबल वाइलिस्ट जैक्सन लाइटली फ्रिस्ट हिज क्लॉथ्स, और उस समय जब ऐसा उठा दिया अपना दोनों हाथ अपने कंधे के बराबर मैक्लेरी, जैक्सन उसको क्या करता है, स्लाइटली, लाइटली मतलब धीरे से, फ्रिस्ट, फ्रिस्ट मतलब वो दबाता है, कपड़ा में स्पर्श करता है कि कोई चीज तो नहीं रखा है. Something hard here, sir. और इसके पश्चात तो बोलता है कि यहाँ पर कुछ सख्त चीज नजर आ रहा है, कुछ यहाँ पर हार्ड है, कुछ चीज यहाँ रखा हुआ जो कि बहुत सख्त है. My reading glasses, replied McLary. McLary बोलता है कि ये जो मेरा है मतलब मेरा पढ़ने का क्या है, चश्मा है, spectacles मतलब मेरा पढ़ने के लिए चश्मा है बोलता है. Looking down at the spectacles case, और वो अपना जो spectacles case जो डब्बा है जिसमें कि वो अपना चश्मा को रखता था उसको देखते हुए बोलता है कि ये तो मेरा क्या है, चश्मा है जिससे मैं पढ़ता हूँ. Jackson quickly reassured him. तो Jackson बोलता है ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है बोलता है. And bending down, और वह नीचे झुक जाता है. On the landing, thumb flicked the catches on the suitcase. क्योंकि नीचे क्या था, suitcase था, और उसको अपने अंगूठा से thumb flicked, अंगूठा से दबाता है. The catches on the suitcase, और जो हुक है suitcase का वो खुल जाता है, तो अंगूठा से दबाता है और वो सूटकेस खुल जाता है. He picked up each envelope in turn, और जैक्सन जो है जो प्रत्येक लिफाफा था, एनवेलप प्रत्येक लिफाफा था उसको बारी बारी से वो उठाता है. picked up मतलब उठाता है. carefully passed his palms along their surface, और बड़े ही सावधानी पूर्वक passed his palms अपने हथेली को सतह पर वो मतलब स्पर्श करता है, वो छूता है कि कोई चीज तो नहीं है जो कि मतलब इवांस के लिए मददगार ना हो. एंड सीम्ड सेटिस्फाइड, और इन सभी चीजों को देख करके वो संतुष्ट होता है. ही रिफल्ड कर्सरीली थ्रू अ फ्यू पेजेस ऑफ होलीरीड. ही रिफल्ड मतलब वो पन्ना पलटता है, पेज पलटता है. कर्सरीली, कर्सरीली मतलब सरसरी तौर से, थ्रू अ फ्यू पेजेस ऑफ होलीरीड. तो जो ये बाइबल भी लेकर के गया था मैक्लेरी, क्योंकि वहां महिला संघ वालों को रूथ के पुस्तक से उसको कुछ प्रवचन देना था, तो वो बाइबल को भी सरसरी तौर से उसके पन्नों को पलटता है कुछ है कि नहीं बोल करके. एंड वेगली सुक द चर्च टाइम्स, और वो एक पत्रिका भी लेकर के गया था. चर्च टाइम्स क्या है, एक पत्रिका है, और इसको भी उसको वेगली मतलब अस्पष्ट रूप से थोड़ा सा क्या करता है, हिलाता है कि कहीं इसमें कुछ चीज रखा हुआ तो नहीं है. Alright, so far, अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था. But one of the objects in McLary's suitcase was puzzling him sorely. लेकिन एक चीज था जो कि मैक्लेरी के सूटकेस में था, जो कि जैक्सन को विचलित कर रहा था. Puzzling, puzzling का अर्थ उसको विचलित कर रहा था. Sorely मतलब बुरी तरह से, बुरी तरह से उसको परेशान कर रखा था. वो क्या चीज है देखते हैं. Do you mind telling me why you have brought this, sir? मैक्लेरी को जैक्सन पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे को बताने का कष्ट करेंगे सर कि क्यों आपने ये चीज को लाया है. Why have you brought this, sir? मतलब ये चीज आप क्यों लाए. He held up a small semi inflated rubber ring. जो मैक्लेरी था वो held up लाया था small is एक छोटा सा semi inflated, semi inflated का अर्थ है आधा फूला हुआ, inflated आधा फूला हुआ
रबर रिंग जिस तरह से जो ट्यूब होता है गाड़ी का, उसी तरह से वो आधा फूला हुआ एक रबर लेकर के आया था। सच एज अ यंग चाइल्ड विथ अ वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचेस माइट हैव स्ट्रगल्ड इनटू। और ये इतना छोटा था कि एक छोटा बच्चा भी, जिसका कमर कमर क्या है, लगभग 12 इंच का होगा जिसका कमर, वो भी इसमें मुश्किल से मतलब घुस सकता था, मतलब वो भी उसमें नहीं घुस सकता था, बड़ी मुश्किल से वो उसमें घुस सकता था, इतना छोटा था, उसको लेकर के आया था। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम सर? तो यहाँ मजाक कर रहा है जैक्सन, बोल रहा है कि ये परीक्षा होने के बाद, क्योंकि परीक्षा 2 घंटे का ही है, तो परीक्षा के होने के बाद आप सर प्लानिंग कर रहे हैं कहाँ तैरने जाने का प्लान है सर, बोल रहे हैं कौन, जैक्सन। मैकलेरीज हिदर टू, मैकलेरी अभी तक तो, हिदर टू मतलब अभी तक तो, अमियेबल डिमीनर वाज स्लाइटली रफल्ड बाय दिस टेस्टलेस लिटिल पेजेंट्री। तो मैकलेरी जो है अभी तक, हिदर टू मतलब अभी तक तो, वो बहुत ही अमियेबल मतलब दोस्ताना व्यवहार था उसका, डिमीनर डिमीनर का अर्थ है उसका व्यवहार था, अभी तक तो दोस्ताना व्यवहार था मैकलेरी का, वो स्लाइटली, लेकिन वो अभी थोड़ा सा क्या हो गया, स्लाइटली मतलब हल्का सा वो बदल गया, थोड़ा सा गुस्सा हो गया, रफल मतलब थोड़ा सा क्रोधित हो गया, बाय दिस टेस्टलेस लिटिल पेजेंट्री, इस तरह का जो ये जैक्सन ने जो मजाक कर दिया उससे उसका थोड़ा सा भाव खराब हो गया। एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवाट सावरली, और वह किस मतलब एक कटु शब्द में, सावरली मतलब कट्टा होता है, सावरली मतलब कटु शब्द में, या तो गुस्से में वो थोड़ा सा गुस्से में वो जैक्सन को उत्तर देता है। इफ यू मस्ट नो आई सफर फ्रॉम हेमोरॉइड्स एंड वेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ और लेंथ ऑफ टाइम, तो बोलता है अगर तुम जानना चाहो तो ये है, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं लाया हूँ, तो वो ये बात ये है, बोल रहा है आई सफर फ्रॉम, बोल रहा है मेरे को बीमारी है या तो मैं पीड़ित हूँ हेमोराइड से, हेमोराइड्स का अर्थ होता है पाइल्स, दूसरा अंग्रेजी शब्द पाइल्स, या तो बवासीर जिनको कि टॉयलेट करने में दिक्कत होता है इस बीमारी के कारण, ये बीमारी से पीड़ित है कौन, मैकलरी ऐसा बता रहा है। एंड वेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, और बोल रहा है मैं जब लंबे समय के लिए ऐसे में बैठता हूँ, फिर उसी के बीच में बात काट देता है जैक्सन, बोलता है वेरी सॉरी सर, तो बोलता है मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, आई डिडंट मीन टू एर, मैं ऐसा मतलब कतई मतलब मेरा मतलब नहीं था, बोलता है जैक्सन। और उसके पश्चात द एम्बरासमेंट वॉज स्टिल रेडनिंग जैक्सन सिक्स, और इतना वो शर्मिंदा हो जाता है, और उसका शर्मिंदगी का हम देख सकते हैं उसका चेहरा लाज से शर्म से क्या हो गया है, लाल हो गया है, रेडनिंग, रेडनिंग का अर्थ है लाल हो गया है, एम्बरासमेंट का अर्थ होता है शर्मिंदा से उसका गाल लाल हो गया है। और उसी समय व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ, उसको एक पेपर नाइफ पेपर काटने के लिए चाकू मिलता है, एट द बॉटम ऑफ द केस, तो सूटकेस के निचले हिस्से में उसको एक चाकू मिलता है। आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस दो इफ यू डोंट माइंड दैट इज सर, तो बोलता है जैक्सन कि मैं सोचता हूँ कि इसको तो मैं रख लेता हूँ अगर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी तो, क्योंकि इससे कुछ हमला भी कर सकता है कौन, इवेंस, क्योंकि वो कैदी है और कई बार भाग चुका है, और इसीलिए बोल रहा है चाकू को, पेपर काटने वाले चाकू को, इसको तो मैं अपने पास रख लेता हूँ, बोल रहा है जैक्सन। इट वॉज 9:18 AM बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइस अगेन, तो अभी तक कितना हो गया था, 9:18 हो चुका था, सब चेकिंग करने के बाद, इन सब का करने बाद, मतलब ऑलरेडी लेट हो चुका है, क्योंकि परीक्षा कब शुरू होना था, 9:15 को, 9:15 को उनका परीक्षा शुरू होना था, लेकिन अभी तो 9:18 हो चुका है। और तब उन लोग फिर से सब चेक हो गया, चेक होने के बाद उस जो कोठरी था उसमें प्रवेश करते हैं, एंड इट वॉज क्लियर देयर वॉइसेस, तो 9:18 में उन लोग कहाँ प्रवेश करते हैं, स्कॉटरी में, और इसीलिए बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइस, क्योंकि वहां माइक्रोफोन लगा हुआ है और उनका आवाज फिर से कौन सुन रहा है, गवर्नर सुन रहा है उस कमरे से। एंड इट वॉज क्लियर, और ये स्पष्ट हो गया था दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटल लेट, स्पष्ट हो चुका था कि ये जो परीक्षा होने जा रहा है वो थोड़ा समय से देरी लेट पर शुरू होने वाला है, इन गेटिंग अंडर वे मतलब परीक्षा शुरुआत होने में थोड़ा लेट है, इससे स्पष्ट पता चल चुका था गवर्नर को। माइक लेरी यू हैव गॉट अ वॉच, तो माइक लेरी कमरे में पूछ रहा है क्या तुम्हारे पास घड़ी है, इवांस यस सर, तो बोल रहा है हाँ सर मेरे पास घड़ी है। माइक लेरी आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट, तो बोल रहा है कि मैं तुमको बताऊंगा कब आरंभ करना है परीक्षा, एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट ऑलराइट, और उस समय भी जब 5 मिनट समाप्त होने के लिए बसे रहेंगे तो भी मैं बता दूंगा ऑलराइट, यहाँ के बाद अपोस्ट्रोफी है जिसका अर्थ है ऑलराइट मतलब ठीक है, समझे ना, ऐसा यहाँ शांति छा जाती है। मैकलेरी फिर उसका जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मैकलेरी उसको इवांस फॉलो कर रहा है।
देर इज प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर, शुड यू नीड इट. तो बोल रहा है यहाँ पर और भी बहुत सारे खाली पेपर हैं अगर लिखने के लिए, अगर तुमको इन सबकी जरूरत होगा तो. और फिर शांति सा जाती है. McLary, now write the name of the paper 021-1 in the top left-hand corner. उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है McLary, बोल रहा है कि अभी तुम लिख लो पेपर का नाम, लिख लो पेपर का नाम क्या है 021-1 in the top left-hand corner, तुम्हारे बाएं हाथ के ऊपरी कोना में, मतलब इस साइड में बाएं हाथ के ऊपरी कोना में पेपर का नाम लिख लो, बोल रहा है. फिर साइलेंस, सन्नाटा सा जाता है. McLary, in the top right hand corner, तो तुम्हारे दाहिने हाथ के कोने में, मतलब इस कोने में, तुम्हारे दाहिने हाथ के कोने में write your index number, तुम्हारा index number लिख लो 313, तो ये है index number. And in the box just below that, और वहां पर एक जो छोटा सा box है उसके नीचे में एक छोटा सा box है, write your center number, तुम्हारा center number लिख लो 271. All right, ठीक है. McLary instruction देता है Evans को. फिर आगे हम देखते हैं साइलेंस. 9:20 AM, तो अभी कितना बज गया है, 9:20 हो गया है. McLary, I am now going to, तो बोलता है अब परीक्षा मतलब स्टार्ट होने वाला है, मैं स्टार्ट होने वाला है बोलता है McLary. Evans, he is not going to stay. There is he. Where is he? Is he not going to stay? Where is he? तो Evans पूछ रहा है is he, तो यहाँ पर स्टेफन के लिए बोल रहा जा रहा है. स्टेफन जो कि बराबर निगरानी रख रहा है, तो Evans उसी के बारे में बोल रहा है. Is he not going to stay? Where is he? तो बोल रहा है क्या वो यहाँ पर रुकने वाला है क्या? Where is he? कहाँ है वो? क्या वो यहाँ यहीं पर रुकेगा? बोल रहा है McLary, I don't know about that. I. तो McLary बोलता है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, और उसी के बीच में बात कर जाती है. तो स्टेफन जवाब दे रहा है, देखो स्टेफन जवाब दे रहा है, Mr. Jackson gave me strict instruction too. तो Mr. Jackson बोल रहा है कि Jackson ने हमको एक कठोर instruction दिया है, कठोर निर्देश दिया है कि मैं यहीं पर रुकूंगा, ऐसा बोलना चाह रहा था. और इसी बीच में Evans उसका बात को काट देता है. फिर बोलता है How I am supposed to concentrate on my exam? बोलता है कि कैसे मैं अपना जो परीक्षा है उसको मैं अपना ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा, concentrate मतलब ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा, with someone, ऐसे व्यक्ति के साथ, ब्रीदिंग डाउन माय नेक, जो कि हमेशा ब्रीदिंग डाउन माय नेक मतलब जो हमेशा निगरानी कर रहा है, तो उस व्यक्ति के साथ मैं कैसे अपना परीक्षा में कंसंट्रेट कर पाऊंगा, अपना ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा, ऐसा बोलता है. क्राइस्ट सॉरी सर, आई डिडंट मीन. तो ये क्राइस्ट जो है ये जो इंग्लैंड में सब चल रहा है और वहां अधिकतर लोग ईसाई हैं, और ईसा मसीह के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है क्राइस्ट. तो बोल रहा है ये भगवान, मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रहा था, मैं ऐसा मेरा बोलने का आपको मतलब कोई अर्थ नहीं था, मेरा भावना नहीं था आपको आपको ठेस पहुंचाने का, ऐसा बोलता है Evans. द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन. ये सभी बातें कौन सुन रहा था? गवर्नर सुन रहा है, क्योंकि वहां पर माइक्रोफोन लगा हुआ है, और वो फोन के पास पहुंचता है और फोन लगाता है. जैक्सन को फोन लगाता है. हाँ गुड, तो बोल रहा है बहुत अच्छा व्यवस्था है, सब कुछ ठीक कर रहे हो. Get Stephens out of that cell. तो बोल रहा है कि स्टेफन को उस कोठरी से तुम क्या करो, बाहर निकालो. Will you? क्या तुम ऐसा करोगे? I think we are perhaps overdoing things. तो बोलता है कि हम लोग शायद बहुत अति कर रहे हैं इसके साथ, Evans के साथ. As you wish, sir. तो यहाँ पर Jackson बोलता है जैसे आपकी मर्जी सर. The governor heard the exchange in the cell. और अपने कमरे से ही गवर्नर को उस माइक्रोफोन के जरिए सुनाई देता है कि वहां से कौन निकल रहा है, ये स्टेफन को निकाला जा रहा है स्कूटरी से, वो बाहर निकलता है. Heard the door clang once more, और एक बार फिर से दरवाजा को बंद होते हुए वो सुनता है. And heard McLary announce, और McLary को घोषणा करते हुए सुनता है गवर्नर, that the examination had begun at last, और अंत में जो है परीक्षा शुरू हो चुका है, वो घोषणा कर देता है परीक्षा शुरू हो चुका है. It was 9:25 AM and there was great calm. तो अभी 9:25 हो चुका है और अभी वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, मतलब परीक्षा शुरू हो गया. तो 2 घंटे का परीक्षा है, तो 9:25 में शुरू हुआ है, तो 11:25 में परीक्षा समाप्त हो जाएगी. At 9:40 AM the examination board rang through. तो 9:40 हुआ तो वहां पर शिक्षा बोर्ड से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मतलब फोन आया, रैंक थ्रू मतलब फोन आया. एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी, और जो वहां का जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो
उप सचिव था, असिस्टेंट सेक्रेटरी मतलब उप सचिव, विथ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस, और जिसका बहुत विशेष क्या था, जिम्मेदारी था आधुनिक भाषा को लेकर के, asked to speak to the governor, वो गवर्नर से बात करना चाहता है. The examination had already started, no doubt. बोलता है कि परीक्षा तो निसंदेह मतलब शुरू हो चुका है, उसमें कोई संदेह नहीं है. a quarter of an hour ago, तो बोलता है कि परीक्षा निसंदेह शुरू हो चुका है, गवर्नर बता रहा है, वो भी 15 मिनट पहले ही शुरू हो चुका है, बोल रहा है. Yes, well, तो बोल रहा है ठीक है, बहुत अच्छा. There was a correction slip, तो बोल रहा है कि वहां पर कुछ संशोधन करना है, कुछ करेक्ट करना है. With some fool had forgotten, जिसको कि कोई मूर्ख, फूल मतलब कोई मूर्ख जो है भूल गया, to place, इसको रखने के लिए, in the examination package, जो परीक्षा का जो पैकेट था उसमें डालने के लिए, जो करेक्शन स्लिप था, कोई मूर्ख उसको वहां उसमें डालने भूल गया, बोल कर वो फोन कर रहा है. वेरी ब्रीफ, ये छोटा सा है, बोल रहे हैं. Could the governor please, तो बोल रहा है क्या आप उसको स्लिप को वहां दे सकते हैं क्या, बोल रहे हैं, करेक्शन करवा सकते हैं क्या, बोल रहा है गवर्नर को. Yes, of course, तो बोल रहा है हाँ बिल्कुल. I will put you straight through to Mr. Jackson in leaving, बोल रहा है कि ठीक है मैं आपको सीधे सीधे बात करवा दे रहा हूँ, किससे, मिस्टर जैक्सन से, जो कि वहां पर डी विंग में तैनात है. Hold the line a minute, तो बोल रहा है कि एक मिनट के लिए आप लाइन पर रहिए. Was this the sort of thing the governor had feared, तो इसके पश्चात वो लाइन लगा दिया है ना, उसको बात करवा दे रहा है किसके साथ, जैक्सन के साथ, लेकिन अभी इसके मन में संदेह आ रहा है, गवर्नर के मन में संदेह आ रहा है. Was this the sort of thing the governor had feared, क्या यही ऐसा चीज था जिसको गवर्नर को डर था. Was the phone call a fake, क्या ये जो फोन कॉल था ये क्या फर्जी था, फेक मतलब फर्जी था. Some signal, कोई ये सिग्नल संकेत तो नहीं था. Some secret message, या तो कोई गुप्त संदेश तो नहीं देना था इवांस के लिए. But he could check on that immediately, लेकिन इन सब बातों को क्रॉस चेक कर सकता था, तुरंत ये सब कुछ चेक कर सकता था, कौन, गवर्नर. और इसीलिए चेक करने के लिए ही वो क्या करता है, he dialed the number एग्जामिनेशन बोर्ड, तो एग्जामिनेशन बोर्ड का जो नंबर था उसको फिर से वो क्या करता है, उस पर फोन लगाता है दूसरे मोबाइल से. बट हर्ड ओनली द स्टैकेटो ब्लिप्स ऑफ द लाइन एंगेज, लेकिन वहां पर केवल स्कैटो ब्लिप्स, स्टैकेटो ब्लिप्स मतलब टूं टूं की आवाज केवल सुनाई देती है जब लाइन क्या होता है, व्यस्त होता है, तो उसको भी वैसे ही आवाज सुनाई दिया. बट देन द लाइन वॉज एंगेज्ड, और इस तरह से उस समय वो प्रयास किया, लेकिन लाइन क्या था, व्यस्त था, क्योंकि अभी उस समय कौन बात कर रहा था, जैक्सन बात कर रहा था, और वो वही सोचता है कि ये तो वाजंट इट, वो बोलता है कि लाइन तो व्यस्त था. यस, हाँ, नॉट वेरी इंटेलिजेंट, तो बोलता है कि ऐसा तो कोई बात नहीं होगा, मतलब कि फर्जी नहीं होगा, ऐसा सोचता है. दैट टू मिनट्स लेटर ही हर्ड सम विस्पर्ड, और दो मिनट के पश्चात उसको फिर से माइक्रोफोन से आवाज सुनाई देता है. हर्ड सम विस्पर्ड मतलब कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनता है वो. कम्युनिकेशंस इन द सेल, कोठरी में मतलब उस फुसफुसाहट की आवाज आती है. एंड देन मैकलेरीज ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस, और मैकलेरी का ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस मतलब क्या, वो स्कॉटलैंड का या तो स्कॉटिश लहजे में बात करता था मैकलेरी, उसकी आवाज उसको सुनाई देती है. विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग अ व्हाइल, तो वह बता रहा है कि क्या मिस्टर इवान थोड़ा देर के लिए आप लिखना बंद करोगे, बोल रहा है. एंड लिसन केयरफुली, और बोल रहा है बहुत ही सावधानी पूर्वक सुनो. कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन, तो जो भी परीक्षार्थी है जो कि जर्मन से लिख रहे हैं,